आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं रवि श्रीवास्तव हूं और हम इस समय खड़े हैं आईएमएस बीएचयू में और हमारे साथ हैं आईएमएस बीएचयू में बीआरडीएल लैब के इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल नाथ सर। तो हम सर से ये जानेंगे कि जिस तरह से पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, WHO ने भी अलर्ट जारी किया है और इधर से कुछ देशों में जिस तरह से केस मिले हैं, तो उसको लेकर के सर से ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और उसके बचाव के उपाय क्या हैं। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक कोई इधर देश में कोई इसके केस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन WHO ने भी लोगों को सावधान रहने को कहा है। तो प्रोफेसर गोपाल नाथ सर से जानेंगे सर कि किस तरह से मंकी पॉक्स क्या है और कैसे लोग पहचाने इसको, क्या कारण और लक्षण है और बचाव के क्या हैं, कोई टीका है कि नहीं इसके लिए या और कैसे बच सकते हैं। सर बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, एक एक करके बताएंगे। सर मंकी पॉक्स, पॉक्स जो होता है ना कि स्किन में कोई छोटा सा मैंने गड्ढे जैसा या थोड़ा वो बन जाए तो उसको पॉक्स बोलते हैं और ये पहले बहुत पुरानी बीमारी है, आज से 3,500-4,000 साल पहले भी था। तो और एक ज़माने में बच्चों में डेथ रेट बहुत ज़्यादा था और इसकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत पुरानी चीज़ें आएंगी, लेकिन सबसे पहला वैक्सीन भी इसी मैंने स्मॉल पॉक्स के लिए बना। स्मॉल पॉक्स, काऊ पॉक्स और मंकी पॉक्स तीनों जो है एक ही ग्रुप के वायरसेस हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं और ये चूंकि DNA वायरस है इसलिए कोरोना से थोड़ा अलग है, इतना मैंने बहुरूपिया नहीं है जितना कोरोना था। तो बहुरूपिया न होने का फ़ायदा यह है कि वैक्सीन जो हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए हैं जो 1980 तक लगा था जी, उसके पहले जो लोग लिए वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद के जो अभी 44 साल की उम्र से कम वाले लोग हैं उनका एक्सपोजर नहीं है तो उनको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और जो इस स्किन में आप देखेंगे पुराने ज़माने में चेहरे पे चेचक के दाग जो घूमते थे, पूरे बॉडी में छोटे छोटे फफोले जैसे निकल जाते थे, बड़ा नहीं होता था छोटा ही होता था, पहले उसमें क्लियर मैंने साफ पानी की तरह भरा होता था, बाद में पस बन जाता था और फिर जब वो ठीक होता था तो उसमें गड्ढे पड़ जाते थे और डेथ जो ज़्यादातर है वो निमोनिया से होती थी क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती थी और बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से ज़्यादातर डेथ होती थी उस ज़माने में। और ये इसका करीब करीब 1800 के आसपास इसका वैक्सीन बना और उसके बाद शुरू हुआ, वो भी काऊ का जो पॉक्स था उसको वैक्सीनिया वायरस बोलते थे और काऊ को वैक्सीन बोलते थे, उसी से वैक्सीनिया भी आया। और ये जो वैक्सीन है जो स्मॉल पॉक्स वाला, अब तो कहीं कहीं किसी किसी लैब में रखा होगा, लेकिन मंकी पॉक्स का भी वायरस का वैक्सीन बना के रखा हुआ है। सर जिस तरह से देश भर में अलर्ट किया गया है तो किस तरह के से बचाव यहाँ क्या उपाय? मैंने कि जब इसके लक्षण अगर कहीं किसी को देखते हैं जो छोटी माता बोलते हैं चिकन जी, 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 उसी तरह का है कि छोटे छोटे उस पर निकल आएंगे, माता के जरा निकल आते हैं और बहुत तेज बुखार होता है, हेडेक होता है, बॉडी में पूरा दर्द होता है जैसे किसी भी वायरल फीवर में होता है वो होगा और आँखें एकदम लाल हो जाती हैं, पूरे बॉडी पर आपको छोटे छोटे ये निकल आएंगे, पहले चकत्ते जैसा फिर बड़ा बड़ा फफोले जैसा पड़ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करें, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को तुरंत आइसोलेशन में डाल दें जैसे कोरोना में डाल रहे थे, और जो उसको सर्व करें तो आज के डेट में नई उम्र वाले नहीं बल्कि जो 44 साल से ज़्यादा के हैं वो केयर करें तो उनको होने की संभावना कम रहेगी जी, जी। और हेल्थ एजेंसीज को बताएं, जैसे हम लोग ही हैं कभी कभी आता है आसपास के जिलों से तो फ्लूड निकाल के NIV पूल में जाँच के लिए भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोग भी जाँच करने लगेंगे क्योंकि बहुत कम ऐसे भेजते हैं, तो ये काम हो जाएगा। और प्रिवेंशन में यही है कि जैसे किसी भी संक्रामक बीमारी में आपको दूरी बना के रखनी होती है वो इसमें भी रखना है। और जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है वो कोरोना की तरह ये नहीं है कि एक कमरे में अगर बैठ गए तो इन्फेक्शन हो जाएगा, 6 फीट की दूरी से भी कम में होगा, उस बिस्तर पर बैठ जाएं वो उसका जो कपड़ा और ये है तकिया है चादर है उसको छुएं या वो करेंगे तब वो नाक में जाएगा। और मंकी पॉक्स के लिए कहा जा रहा है कि कहीं कहीं ये देखा गया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, और मंकी पॉक्स अभी तक अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ में के आसपास ही हैं और इंडिया में कुल मिला के 15,000 के आसपास का रिपोर्टिंग है, 400-450 के आसपास का डेथ है, और हिंदुस्तान में लास्ट वाला केस अभी मिला था मार्च 24 में, उसके बाद तो मिला था। तो किस तरह से यहाँ सावधानी बरती जा रही है या क्या सावधानी है जो आप कर रहे हैं, आप लोग अवेयर कराइए पब्लिक को, और जहाँ कहीं पर भी अगर होता है मीडिया अच्छा काम कर रही है
लेकिन इसमें इतना ही बता देना है कि मंकी पॉक्स कोरोना वायरस की तरह उतना खतरनाक नहीं होगा और आएगा तो उसको कंटेन भी कर लिया जाएगा क्योंकि वैक्सीन है और इसमें वैक्सीन में कोई नया रिसर्च नहीं करना है, ऑलरेडी ये प्रूव्ड है कि ये काम करेगा। सर मंकी पॉक्स पे बात हो गई, आपका जो BRDL लैब है निश्चित तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इसने कोरोना में, कोविड में भी आप लोगों ने किया, अभी आप कर ही रहे हैं। आपके पास बनारस के साथ साथ आसपास के जिलों के भी सैंपल आते हैं, तो कुछ इधर हाल फिलहाल में कुछ एक दो वर्षों में, तीन चार वर्षों में आपने कुछ ऐसा देखा कि कुछ अलग तरीके की बीमारी या कुछ ऐसे केस सिंपल जो लोगों को अवेयर करने जैसा है ये ज़्यादा हो रहा है, इससे लोग बचें, कुछ आप बताना चाहेंगे? हम लोग जो इधर अभी काम कर रहे हैं स्क्रब टाइफस और एक दूसरी लेप्टोस्पायरोसिस है जी, तो उतना नहीं अनकॉमन नहीं है, काफ़ी कॉमन है, उससे लोग सावधान रहें। और इसके लिए हम लोग पॉकेट्स भी खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बनारस में आस पास के जिलों में किस किस पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लेप्टोस्पायरा पानी से आता है। अच्छा। और स्क्रब टाइफस जो है छोटे चींटियों के लार्वे से होता है, ज़्यादातर झाड़ झंखाड़ जहाँ होती है उनके चींटियों के काटने से। इधर कुछ केस आपके पास कहीं आसपास के जिलों से? आते रहते इधर हाल फिलहाल में, महीनों में आते रहते। और ये जो अभी बीच में एक बार चंदौली में आया था कि नहीं बड़ी माता आ गई, तो हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट करके भेजा, बाद में पता लगा चिकन पॉक्स से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।